हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। नगर परिषद पिछोर में पानी की समस्या को लेकर वार्ड 4 और 5 के नागरिकों द्वारा धरना प्रदर्शन देने के लिए नगर परिषद पहुंचे थे। उसके बाद इंसिडेंट कमांडर प्रशासक आनंद गोस्वामी ने आश्वासन दिया था कि बुधवार से पाइपलाइन डलने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद आज वहां पर पाइपलाइन डलने का कार्य प्रारंभ किया गया, जिससे लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सके। उनके द्वारा बताया गया कि जहां पानी की समस्या है तो टेल पोर्शन वार्डो में जो नागरिक रह रहे हैं वहां पर पानी की समस्या का निदान करने के लिए टैंकरों को भेजा जाएगा। इस अवसर पर नायब तहसीलदार आनंद गोस्वामी, सीएमओ रामेश्वर दयाल यादव, जल प्रभारी राजकुमार यादव आदि उपस्थित रहे। पानी की समस्या को लेकर आपके पास कुछ लोग आए थे, उनके द्वारा आंदोलन करने की बात कही थी, आपने उनको समझाया, उसके बाद आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? सोमवार को मेरे पास लोग आए थे यहाँ पे, जिनके पास पानी की समस्या थी बाद में, तो वो उसके लिए सोमवार से मैंने 3 दिन का समय मांगा था, तो 3 दिन का समय हो गया। बुधवार से काम चालू हो गया, पाइपलाइन अभी सुबह में गया था, पाइपलाइन बिछना चालू हो गया। ठीक है ना, दरअसल के यहाँ कुछवा के यहाँ से सोनी जी के यहाँ तक जो 500 फुट की नवीन पाइप आए हैं, उनका जो काम चालू हो गया और वो 1-2 दिन में कंप्लीट होके वो चालू हो जाएगा, वो उसको टंकी से जोड़ दें। वार्ड 7 में टीरपुरसन क्षेत्र है, वहाँ पर पानी की काफ़ी समस्या आ रही है, जब से ये सीविल चेंज किया है। अच्छा, और एक दिन पानी के लिए टैंकर भेजा गया, उसके बाद कोई टैंकर की व्यवस्था नहीं। टैंकर जाता है तो कई प्रकार की विवाद की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। कर्मचारी एक रहता है ड्राइवर, अन्य कोई ड्राइवर नहीं रहता, यानी कोई सपोर्ट का वाला नहीं रहता, तो उसके साथ वार्ड की क्या समस्या है? टीरपुरसन में क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, तो उसमें अपन जैसे शुरू चेंज किया, अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो अपन जैसे